राष्ट्रीय सेवा भारती की तरफ से आज दिल्ली के वजीराबाद में हनुमान मंदिर और सेवा केंद्र का लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण शंकराचार्य राजाजेश्वर महाराज और आरएसएस के सह कार्यवाह सुरेश जोशी के हाथों से किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अमर सिंह, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और सतपाल सिंह शामिल हुए। आज का लोकार्पण एक बड़े प्रोजेक्ट का पहला चरण है। इसके बाद दूसरे चरण में समाज सेवा के कार्यक्रम होंगे, जिसमें एक सेवा केंद्र की स्थापना होगी। इसके तहत स्किल डेवलपमेंट, महिला वेलफेयर, चिकित्सा से जुड़े काम शामिल हैं। धर्म और संस्कृति को पूजित करना, जीवित करना, इतनी कमर्थता और प्रतिबद्धता के साथ जो कार्य सेवा भारती और संघ कर रहा है, उसके लिए मैं सेवा भारती और संघ को एक भारतीय, भारत का आम नागरिक होने के नाते मैं बहुत ऋणी हूँ। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा भारती की तरफ से है। काफ़ी बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज में हनुमान मंदिर का उद्घाटन हुआ है, क्योंकि ये ज़मीन हनुमान जी के नाम से ट्रस्ट से 1910 में दान में दी गई थी शंकराचार्य जी को। उसके बाद सेकंड फेज में इसमें हमारे समाज सेवा के कार्यक्रम होंगे। इसमें स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, डिस्पेंसरी, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की, उसके बाद में महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, ये सेकेंड फेज में इसमें कार्य होने वाले हैं।